So we are picking up binomial theorem. छोटा सा टॉपिक है और इजी टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है. बाई हो गया हमारे पास टू और नोमियल्स हो गए वेरिएबल्स. तो नाम ही इसका सजेस्ट करता है कि इट इज कंप्राइजिंग ऑफ टू वेरिएबल्स. तो हम लोगों ने अपनी जूनियर क्लासेस में भी बहुत बार इसको देखा हुआ है, जैसे x प्लस वाई होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और x माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और हमारे पास एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब. तो ये सारी एग्जांपल्स एक तरह से हमारे पास बाइनोमियल एक्सपेंशंस की हैं, मतलब दो हमारे पास वेरिएबल्स हैं और उसको हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं. सो हम लोग इस चीज को जनरलाइज करते हैं बाय कंप्राइजिंग मेकिंग एनी पावर एन. सो एक्स प्लस वाई होल रेज टू पावर एन इज अगर आप इसमें देखें तो पैटर्न जो है वो फॉलो होता जा रहा है. किस तरह से पहले बड़ी पावर, देन एक्स की पावर रिड्यूस होती है, वाई की पावर बढ़ रही है, एक्स की पावर रिड्यूस होते होते जीरो हो जाती है और वाई की पावर जीरो से बढ़ती बढ़ती मैक्सिमम तक चली जाती है. सो ये आ जाएगा एन सी वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन इंटू वाई रेज टू पावर वन एन सी टू एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू इंटू वाई स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस वाई रेज टू पावर एन. अब यहां पे अगर हम देखें द सेम थिंग कैन बी अब इसी चीज को हम लोग इन शॉर्ट फॉर्म इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं समीशन आर इज इक्वल्स टू जीरो टू एन एन सी आर एक्स रेज टू पावर एन माइनस आर इंटू वाई रेज टू पावर आर. अब इसी तरह से यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज है, जब हम इसकी बात करते हैं, इस एक्सपेंशन की बात करते हैं. अब देखिए हमारे पास जब पावर टू थी ना तो नंबर ऑफ टर्म्स जो थी वो थ्री थी, वन टू एंड थ्री. जब पावर हमारे पास थ्री हुई तो नंबर ऑफ टर्म्स फोर होगी. अब हमारे पास एक बात हमने यहां पर ध्यान रखनी है वो ये कि इन एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई होल रेज टू पावर एन
number of terms is n plus 1. अभी यहां पे ये बात तो हमें समझ आ गई, लेकिन अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स को हम लोग हमेशा इसकी जो जनरल टर्म होती है उसको हम लोग टी आर प्लस वन से और इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, दिस टी आर प्लस वन इज एनसीआर एक्स रेज टू पावर एन माइनस आर इंटू वाई रेज टू पावर आर, ये इसकी जनरल टर्म है और जनरल टर्म को हमेशा आर प्लस वन लेके डिनोट करते हैं बिकॉज आर जो है वो जीरो से स्टार्ट होता है, आर स्टार्ट फ्रॉम जीरो और क्योंकि ये जीरो से स्टार्ट होता है तो इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, हम लोग इसको जीरो प्लस वन लिखते हैं, यानी फर्स्ट टर्म इज हैविंग आर जीरो, सेकेंड टर्म इज हैविंग आर वन, थर्ड टर्म इज हैविंग आर एस टू, फोर्थ टर्म इज हैविंग आर एस थ्री, तो ये इस तरह से चलता है। तो ये हमारे पास, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना इसको इस एक्सपेंशन को वन कंसीडर करेंगे और इसी तरह से जब हमारे पास एक्स माइनस वाई रेज टू पावर एन होगा तो हम इसको लिखेंगे, अब ये सेम रहता है सिर्फ इसमें साइंस जो है वो अल्टरनेटली चलते हैं, एक्स रेज टू पावर एन माइनस एन सी वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन इंटू वाई प्लस एन सी टू एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू वाई स्क्वायर, और ये बात चलती रहती है, कहां तक चलती रहती है, एंड तक, लेकिन हम लोग ये नहीं पता कि लास्ट वाली टर्म जो है हमारे पास पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव रहेगी, तो हम इसको लिखते हैं माइनस वन रेज टू पावर एन इंटू वाई रेज टू पावर एन, और इसको अगर हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा तो द सेम थिंग विल बी रिटन एज एवरीथिंग विल बी सेम, सिर्फ हमारे पास क्या जाएगा, समीशन माइनस वन रेज टू पावर आर वेयर आर इज फ्रॉम जीरो टू एन, रेस्ट ऑफ द थिंग्स रिमेन सेम, एन सी आर एक्स रेज टू पावर एन माइनस आर इंटू वाई रेज टू पावर आर, सिर्फ इसमें और इस टर्म में माइनस वन रेज टू पावर आर का फर्क रहा, बाकी सब चीजें सेम ही रही। नाउ अगर हम लोग यहां पे इसकी जनरल टर्म की बात करेंगे, यहां पे हम इसकी जनरल टर्म की बात करेंगे तो क्या होगा, अगेन जनरल टर्म भी सेम ही रहेगी लेकिन बस एक माइनस वन का फर्क रह जाएगा, दैट्स इट। तो जनरल टर्म हम यहां पे भी टी आर प्लस वन ही लिखेंगे, इक्वल्स टू माइनस वन रेज टू पावर आर एन सी आर एक्स रेज टू पावर एन माइनस आर वाई रेज टू पावर आर, तो ये एज इट इज ही चलेगा, ये इसको हम इसी तरह से ही लिखेंगे, सिर्फ फर्क क्या आ गया, माइनस वन रेज टू पावर आर का फर्क आ गया, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। ठीक है, नाउ इसको अगर आप टू ले लें और इसको हमने वन ले लिया हुआ ऑलरेडी, तो आप इन दोनों को अगर आप देखें
एडिंग वन एंड टू, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे ना, एक्स प्लस वाई होल रेज टू पावर एन प्लस एक्स माइनस वाई होल रेज टू पावर एन, सो दिस विल गिव अस ए रिजल्ट विच इज इक्वल्स टू टू टाइम्स एन सी जीरो एक्स रेज टू पावर एन प्लस एन सी टू एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू वाई स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश। और जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये यही बात NC1 से स्टार्ट हो जाएगी, NC1 x raised to power n minus 1 y raised to power 1 plus NC3 y cube plus dash dash dash, और ये चलता रहेगा। So what we have learned so far, number 1, number 2, this is number 3, number 4, not all these points, number 5, number 6, so this is number 7, 8 and 9. नोट दीज पॉइंट्स, फिर इससे आगे की बात करते हैं हम लोग। नाउ वी हैव गॉट अगर हम यहां पे इफ वी पुट एक्स इज इक्वल्स टू वन एंड वाई इज इक्वल्स टू एक्स, वी गेट एक बड़ा अच्छा सा हम लोगों को एक रिजल्ट मिलेगा, डेट इज वन प्लस एक्स रेज टू पावर एन इज इक्वल्स टू 1 raised to power n, nc1 into x, क्योंकि 1 raised to power anything is 1, nc2, 1 raised to power n minus 2, 1 होगा, इसलिए इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ x square plus dash dash dash, और ये बात जाएगी x raised to power n में। In short, this thing can be written as summation r is equals to 0 to n ncr x raised to power r. So, हम इसको directly इस तरह से लिख सकते हैं।
ठीक है। तो अगर हम लोग इसको इस तरह से लेके चलें, तो इसकी जर्नल टर्म क्या होगी? इसकी जर्नल टर्म आ जाएगी टी आर प्लस वन, सिर्फ समीशन को छोड़ दीजिए, एनसीआर इंटू एक्स रेज टू पावर आर, सिर्फ इसकी समीशन को छोड़ देंगे, बाकी सारे का सारा जो पार्ट रहेगा वो जनरल टर्म रहेगा, और यही हमने पीछे भी किया था। एंड इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारी यूज होती है वो ये होती है कि कोफिशियंट ऑफ एक्स रेज टू पावर आर इन वन प्लस एक्स रेज टू पावर एन इज एनसीआर, इट इज ऑलवेज एनसीआर। तो इसका जो कोफिशियंट होगा ये हमेशा एनसीआर लिया जाएगा। ये नाउ यहां तक तो हमारी बात होगी। द नेक्स्ट थिंग इज इसी को साथ ही हम कह सकते हैं सिमिलरली if we put x is equals to 1 and y is equals to minus x in hamare paas ye kya ban jayega, this will become 1 minus x raised to power n, और ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एन सी 1 इंटू एक्स प्लस एन सी 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एन सी 3 इंटू एक्स क्यूब, और यही बात एंड तक जब जाएगी तो हम इसको लिखेंगे माइनस 1 रेज टू पावर एन एक्स रेज टू पावर एन। वही इन शॉर्ट अगर हम इसको लिखें, सो दिस इज 1 माइनस एक्स रेज टू पावर एन इज इक्वल्स टू समीशन आर इज इक्वल्स टू 0 टू एन माइनस 1 रेज टू पावर आर एक्स रेज टू पावर इंटू एन सी आर इंटू एक्स रेज टू पावर आर। तो ये हमारे पास इसी चीज को जब हमने शॉर्ट टर्म में लिखा, शॉर्ट फॉर्म में लिखा, तो हमें ये मिला। नाउ इफ यू सी हियर, यहां पे जनरल टर्म की अगर हम इसकी बात करेंगे तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज सेम, बट इसकी जनरल टर्म को हम लिखेंगे टी आर प्लस वन, वही सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ समीशन वाला पार्ट हट जाएगा, माइनस वन रेज टू पावर आर इंटू एनसीआर इंटू एक्स रेज टू पावर आर। नाउ ये हमारे पास इसकी जनरल टर्म होगी। फर्दर बात करेंगे इसमें तो
अब आपके पास ये भी वैसा ही है, अगर आप इसको देखें कि 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर एन प्लस 1 माइनस एक्स रेज टू पावर एन इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 1 प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस एन सी थ्री नहीं NC4, ये ऑल्टरनेटली चलता है। सो दिस इज NC4 एक्स रेज टू पावर 4 प्लस डैश डैश डैश। एंड सिमिलरली अगर आगे बात करेंगे तो ये हमारे पास क्या जाएगा, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1 माइनस एक्स रेज टू पावर एन इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स NC1 x प्लस NC3 x³ प्लस डैश डैश डैश, और ये बात चलती रहेगी। ठीक है जी, आप इतना नोट करिए, फिर से आगे मैं आपको और बताता हूँ, कुछ और रिजल्ट्स हैं एंड देन वी विल मूव ऑन टू द असाइनमेंट। तो हम लोगों ने अभी तक देख लिया कि इज इक्वल्स टू 1 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर प्लस, ये बात चलती रहेगी कहां तक, एक्स रेज टू पावर एन तक। अगर हम यहां पे एक्स इज इक्वल्स टू 1 ले लें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इज इक्वल्स टू 1, एक्स की जगह पे 1 आ गया, NC1 प्लस NC2 प्लस डैश डैश डैश, और एक्स की जगह पे 1 आ गया। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि 1 को हम लोग, ये जो ये पहला वाला 1 है, इसको लिखा जा सकता है NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस डैश 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 प्लस, और लास्ट वाले 1 को लिखा जा सकता है NCN इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर एन। और कई बार हम इसको, वैसे दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, हम लोगों ने कॉम्बिनेशन में ये रिजल्ट देखा था, तो सिमिलरली अगर हम लोग ऐसे बात करें, वी हैव ऑल्सो सीन दैट 1 माइनस एक्स रेज टू पावर एन इज इक्वल्स टू 1 माइनस NC1 इंटू एक्स प्लस NC2 एक्स स्क्वायर माइनस डैश 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 डैश, और लास्ट वाली टर्म आ जाएगी माइनस 1 रेज टू पावर एन रेज टू पावर एन इंटू एक्स रेज टू पावर एन। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अगेन, अगर मैं यहां पर भी पुट एक्स इज इक्वल्स टू 1 ले लू तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मेरे पास फिर से बन जाएगा 1 माइनस 1 रेज टू पावर एन इज इक्वल्स टू NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3, और ये बात एन तक चलती जा रही है।
इसको मैं एनसीएन लिख सकता हूं, ठीक है। एंड यहां से अगर हम लोग देखें तो व्हाट वी हैव गॉट फ्रॉम हियर, वी हैव गॉट कि यार अगर हमारे पास यहां पे एक कोफिशिएंट नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो, ठीक है, तो ये हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट आ गया। अब अगेन इसको हम लोग देखेंगे बाइनोमियल में ना, ये रिजल्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता तो डायरेक्टली भी लिखवा सकता हूं आपको, लेकिन एक बार हम इसको एक बार देख लेंगे तो ये भूलेंगे नहीं। हमारे पास अनदर वन इज कि अगर हम लोग यहां पर देखें एस NC0 प्लस NC1 तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर इस NC0 को ट्रांसपोज कर दो तो द सेम थिंग विल बी रिटन एज NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस डैश 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 plus NCN is equals to 2 raised to power n minus NC0. Or since NC0 is equals to 1, तो हमारे पास ये result क्या बन जाएगा? ये result हमारे पास बन जाएगा 2 raised to power n minus 1. So, ये छोटी छोटी जो चीजें ना, ये हमें बड़ी ध्यान देनी है। अगर हम लोग यहां पे एडिंग 17th एंड 18th कर दें एडिंग 17th एंड 18th करेंगे ना बेटा, अगर यहां पे तो आप यहां पे देखें व्हाट वी हैव गॉट 2 टाइम्स NC0 प्लस NC2 बिकॉज नेगेटिव पॉजिटिव करते जाएंगे प्लस NC4 प्लस डैश 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 इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर एन एंड दिस गिव्स अस NC0 प्लस NC2 प्लस डैश डैश डैश। अब ये 2 को अगर हम इधर लेके जाएं राइट हैंड साइड में तो ये आ जाएगा 2 रेज टू पावर एन अपॉन 2, जिसको मैं लिख सकता हूँ 2 रेज टू पावर एन माइनस 1। So, अगर हम इसको इसके कोफिशियंट्स को, कहने का मतलब है कि अगर ये कोफिशियंट्स को हम अल्टरनेटली ऐड कर रहे हैं, जैसे कि हम लोगों ने यहां पे देखा, अगर हम इसको अल्टरनेटली ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास 2 की पावर जो है n माइनस 1 हो जाएगी। एंड इन द सेम वे अगर हम लोग यहां पे बात करें subtracting subtracting 18 from 17 तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 2 times the same thing NC1 plus NC3 plus NC5 plus dash 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 is equals to 2 raised to power n
And this thing finally gives us the same result as above. Yani, ye hum logon ko kya dega result? Ye dega. This implies that NC1 plus NC3 plus dash 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 is equals to again 2 raised to power n minus 1. तो ये जो रिजल्ट है ये हमेशा सेम रहेगा, यानी जब भी हम अल्टरनेट पावर्स की बात करेंगे, जैसे इन दोनों केस में हमने अल्टरनेटली ही इसको लिया, तो जब भी हम ये अल्टरनेटली लेंगे तो हमारे पास ये जो रिजल्ट है, दिस रिजल्ट विल बी 2 raised to power n minus 1. सो काइंडली गो थ्रू इट वंस एंड देन इसके आगे हम बात करेंगे. अब हमारे कुछ रिजल्ट्स ऐसे हैं जो हम लोग इसको यूज करके फाइंड आउट करेंगे. फॉर एग्जांपल, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हम लोग बहुत जगह यूज करते हैं बायनोमियल में, एनसीआर अपॉन एनसी आर माइनस वन इज इक्वल्स टू ये रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आप इसको देखिए, जैसे एनसीआर हमारे पास क्या होता है, एनसीआर इज एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल. और इसको अगर हम लोग देखेंगे तो मैं इसको पहले ही मल्टीप्लिकेशन में लिख रहा हूं, ताकि दिस इज एन फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस वन फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल. ये n factorial cancel, this is, इसको हम लिख सकते हैं r into r minus 1 factorial. बड़े factorial value को हम छोटे factorial value में change कर सकते हैं. And इसी तरह से हम लोग यहां पे इसको लिख सकते हैं n minus r factorial. This is r minus 1 factorial into, इसको मैं लिख सकता हूँ n minus r plus 1 into n minus r factorial. तो उससे ये और ये cancel हो जाएगा इस और इसके साथ, और finally हमें जो बचेगा, हमारे पास बचेगा सिर्फ n minus r plus 1 upon r. This is important. ये बड़ा important सा result है जिसके मैं इसको आपको बता रहा हूँ. फिर एक बड़ा और result use होता है, वो ये कि NCR या N plus 1 CR plus 1 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, N plus 1 upon R plus 1 into NCR. तो ये एक बड़ा यूनिक सा रिजल्ट है जो हम लोगों को यूज करना पड़ता है. चलिए जी, अब हम लोगों ने एक चीज क्या पढ़ी, हम लोगों ने पढ़ा कि इन x प्लस वाई होल रेज टू पावर n number of terms is n plus 1. लेकिन अब अगर हमारे पास ऐसे हो जाए, ये तो आप याद ही रख लीजिए ना, in x plus y plus z raised to power n number of terms is अब यहां पे देखें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे नीचे तीन टर्म्स हैं x प्लस y प्लस z, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगी n प्लस 1 इनटू n प्लस 2 अपॉन 2 एंड देन
इसी तरह से अगर यहां पे चार टर्म्स हो जाएं, लेट्स से w प्लस x प्लस y प्लस z, ये चार टर्म्स हो जाएं 4 रेज़ टू पावर n, नंबर ऑफ टर्म्स इज n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 अपॉन 6। अब हमारे पास सपोज इन जनरल अगर हम लोग यहां पे बात करें, अगर मेरे पास यहां पे a प्लस बी प्लस सी प्लस डैश 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 अप टू k टर्म्स हैं और यहां पे n है, तो नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग हमेशा इस तरह से लिख सकते हैं, देखें जितनी टर्म्स है ना यहां पे इसके फुट में तो उससे एक कम लिखा जाएगा, ठीक है, थ्री है तो यहां पे टू आ जाएगा, एंड तो इसको हम डायरेक्टली इस तरह से लिख सकते हैं n प्लस 1 c k माइनस 1, वेयर k इज द नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो आप इसको एक बार गो थ्रू करिए, शाबाश, एक मिनट इसको एक बार रिजल्ट को एक बार चेक कर लेता हूँ। कंडी इसको ना ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे दिस इज, इसको हम लिखेंगे एक्चुअल में ये n प्लस k माइनस वन आ जाएगा, मींस अब हम के जो है वो बेस में जितने टर्म्स हैं हम उसको लेके चल रहे हैं और एन उसकी पावर है, सो दिस थिंग विल बी कंसिडर्ड एज एन प्लस के माइनस वन सी के माइनस वन। अब इसमें हमारे पास कुछ भी गिवन होगा तो हम इसको डायरेक्टली इस तरह से लेके चल सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर सपोज मेरे पास ये ऐसे हो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई रेज टू पावर लेट्स से 7, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास क्या देंगी, नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास 7, नीचे टर्म्स हैं प्लस 5 माइनस 1 C, नीचे आ जाएगा आपके पास 5 माइनस 1, सो इट इज 11C4। अब 11C4 की जो भी वैल्यू होगी दैट विल बी द आंसर फॉर अस। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम लोगों ने जो यहां पे देखी, और इसके अलावा हम लोग अभी तक जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे पॉजिटिव इंडेक्स के ऊपर, अब हम नेक्स्ट टाइम जब बात करेंगे नेगेटिव इंडेक्स के ऊपर बात करेंगे, प्लस मिडल टर्म ऑफ द बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर बात करेंगे, प्लस ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट के ऊपर, ये तीन चीजें हम लोग देखेंगे, प्लस साथ में विल स्टार्ट अप विद द क्वेश्चंस। तो ये जितने भी आज हमने ये रिजल्ट्स दिखे हैं, जितने भी हम लोगों ने ये थ्योरम्स पढ़ी हैं, ये चीजें पढ़ी हैं, आप सब लोग इसको गो थ्रू करेंगे और इसको नोट करेंगे ताकि जब हम क्वेश्चन करें तो फिर हमें डायरेक्टली कुछ भी करने की जरूरत ना पड़े, हम लोग इसको डायरेक्टली सीधा सीधा काम कर पाए। तो आज इतने रखेंगे, फिर मुलाकात करते हैं आपसे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, आप इसको पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, एंड आल्सो डू द एक्सरसाइज ऑफ परमुटेशन जो ऑलरेडी पेंडिंग है, इन केस कोई प्रॉब्लम आती है तो वी विल डू डैट आल्सो।
Bye for now. Have a great day. Take care. God bless you all. And Jai.